वार्ड नंबर ए के पूर्व पार्षद राजकुमार पाल पर 2 लाख रुपए धोखाधड़ी का आरोप, एसएसपी से शिकायत। खबर शिवपुरी से आ रही है। शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 1 बछोरा मनसापूर्ण मंदिर के पीछे रहने वाले युवक ने आज एसएसपी से शिकायत करते हुए बताया कि उसकी पत्नी की मौत कोरोना काल में हो गई थी। पूर्व पार्षद ने उसके साथ 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी भी की है। युवक ने समय गुजर जाने के बाद जब अपने दस्तावेज मांगे तो पूर्व पार्षद द्वारा कहा गया कि वह दस्तावेज खो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं। इसके बाद 1 फरवरी 2023 को जब युवक ने दूसरी पासबुक एक्सिस बैंक से निकलवाई तो उसमें एंट्री करवाने के दौरान पता चला कि एडीएम के माध्यम से समय पर 2 लाख की आर्थिक सहायता राशि दी गई थी, लेकिन वह राशि निकाल ली गई। वहीं पूर्व पार्षद राजकुमार पाल ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। युवक ने पूर्व पार्षद राजकुमार पाल पर आरोप लगाया है और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है तुम्हारा? बल्लू कुशवा। कहाँ से आए हो? वार्ड नंबर 1 कत्तमील बचौरा से। क्या समस्या लेके आए? समस्या ये है सर मेरी कि मेरे अकाउंट में से 2 लाख रुपए एटीएम द्वारा निकाल लिए गए राजकुमार पार्षद ने। आप कैसे आरोप लगा सकते हो? ऐसे आरोप लगा सकते हो, मेरा उसने खाता खुलवाया, खाता खुलवाने के बाद बोला कि मैं एटीएम और पासबुक मेरे पास रहने दे, तेरे खाते में पैसे आएंगे वो मैं तेरे को ले जाऊंगा और निकलवा के अपन दोनों निकलवा लेंगे और पैसे दे दूंगा मैं तेरे को। तो मैंने वो 10 एटीएम और पासबुक उसी के पास छोड़ दी। छोड़ने के बाद मैं उसके पास में दोबारा गया तो मेरे एटीएम और पासबुक दे दी, तो बोला यार कि वो तो खो गए दोनों चीज़, तो मैंने मुझे तो पासबुक लग रही है तो उसने मुझे खाता नंबर दे दिया, पासबुक बनवा लेना अपनी। मैंने पासबुक बनवा ली, खुद में एटीएम खाते में मेरे पैसे नहीं आया। फिर उसके बाद वो मैंने दोबारा फिर पूछी, 4 बार पूछी, 6 बार पूछी, उसने नहीं जवाब दिया मेरे को, पैसे आया ही नहीं, आए नहीं है। अब मैं कल गया बैंक तो मैंने पता पड़ा कि मेरे बैंक में पैसे आ चुके और उसने निकाल लिए। एटीएम उसी के पास था, चेक बुक उसी पर, सब कुछ उसी के पास था। उसने कैसे निकाल लिए? एटीएम द्वारा। हाँ, और एटीएम उसी के पास था ना, कह तो रहा हूँ। मैसेज भी तो आता होगा ना? मैसेज नहीं आता, मैसेज मेरे मोबाइल नंबर उसने डलवा ही नहीं, मोबाइल नंबर डलवा दिया था। पैसे किस चीज़ के थे तुम्हारे? पैसे इस बात के आए थे मेरी मिसेज के नाम गरीबी रेखा की किताब थी, तो उस खत्म होने के बाद में उसमें सहायता मिलती है 2 लाख रुपए की, वो 2 लाख रुपए आए थे मेरे खाते में, वो सहायता उसने बीच में हड़प। तो जो मोबाइल नंबर उसने अपना डलवाया था जो बिना साइन के, तो आपके जो साइन मैंने किए सब कुछ मैंने किए, लेकिन वो खाता दलाल ने मिल गया, खाता नंबर में मोबाइल नंबर दूसरे का डलवा दिया, मेरा नंबर तो डाला ही नहीं। साइन कैसे कर दिए फॉर्म पर? मैं तो इतना पढ़ाई भी नहीं ना सर, कुछ तो कही होगी आपसे, साइन कर दो। साइन कर दो, तेरा खाता खुल गया, तेरे पैसे आएंगे, हम तेरे को निकलवा देंगे कहीं, और मेरे पास खुद आया था वो। आप कैसे जानते हो उसको? सर हमारे गाँव का पार्षद है ना। क्या नाम? राजकुमार पाल। अभी पार्षद है? अब नहीं है पार्षद, अब तो हट गया पार्षद, अब तो पार्षद दूसरा है। पूर्व पार्षद था? पहले पार्षद था वो, इसलिए अपने उस पर विश्वास किया, उसने कागज लगवाए मेरे नगर पालिका। आपने इस बारे में उससे बात की पर उसने कुछ बोला कि पैसे वैसे को लेकर? काय का? आपने उससे बोला कि आप पूछा क्या पैसे क्यों निकाले? मैंने पूछा उससे, मैंने कल बोला कि मैंने पैसे नहीं निकाले, तुझे जाना आता जा चला जा, एसपी के चला जा, कलेक्टर के चला जा, तुझे करवाना जो करवा दी गई मेरा, मैंने पैसे नहीं निकाले। आपने बैंक में इस बारे में संपर्क किया? हाँ। क्या कहना बैंक वालों? बैंक वाले जी कह रहे हैं पेटीएम से पैसे निकले हैं, उसमें धर्मेंद्र कुशवाहा ने का नंबर डला है, मोबाइल नंबर तो अरविंद कुशवाहा और राजकुमार ने मिलकर ही पैसे लगा ले। अरविंद कुशवाहा का वहाँ पे कत्तमील के सब एपीडी स्कूल के सामने कंप्यूटर की दुकान है, वो लेन देन करता है पैसे का।